चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाला है। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप ना करें। जैसे तो बीएड के एडमिट कार्ड आज से हो गए डाउनलोड। 22 जून से प्रस्तावित बीएड प्रथम एवं बीएड फाइनल की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड आज शाम तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार छात्र देर शाम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं कि दो केंद्रों पर हो गए एमएड के पेपर। विश्वविद्यालय में 20 जून से शुरू हो रही एमएड की परीक्षाएं एमएएम कॉलेज मोदीनगर एवं एचडी कॉलेज गाजियाबाद के केंद्रों पर होगी। विश्वविद्यालय ने इन दोनों केंद्रों से 6 कॉलेजों को संबद्ध किया है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि सीसीएसयू ने कुछ रिजल्ट्स जारी किए हैं। सीसीएसयू ने परिसर व कॉलेजों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी किए हैं। सोमवार को जारी परिणाम छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मंगलवार से देख सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में एमजीएमसी, बीबीए, बीसीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी, बीएलएलबी के विभिन्न कोर्स के सेमेस्टर के दिसंबर 2021 के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। तो आप छात्र सभी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं कि एनएएस कॉलेज में प्रयोगात्मक परीक्षा आज। एनएएस डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के चित्रकला के छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा मंगलवार यानी कि 14 जून को होगी। सभी विद्यार्थी सुबह 10 बजे से विभाग में पहुंचे। इसके अलावा बीए, बीएससी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों की शारीरिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा सत्र 2021-22 जुलाई प्रथम सप्ताह में होगी। बीएससी तृतीय व बीएससी द्वितीय तृतीय की प्रयोगात्मक 2 जुलाई और बीए बीएससी द्वितीय वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 4 जुलाई को होगी। उसके साथ ही आपको बता दूं कि मेरठ कॉलेज मेरठ में एमए एमकॉम संस्थागत सत्र 2021-22 के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनकी द्वितीय आंतरिक परीक्षा निम्नानुसार कार्यक्रम अनुसार आयोजित होगी। दिनांक 8 जून 2022 को आपकी प्रातः 8:30 से 10 बजे एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर और एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर। उसके बाद 21 जून 2022 ट्यूजडे को आपकी सेम समय रहने वाला है 8:30 से 10 बजे तक और एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर। उसके बाद यहां पर जो है 22 जून 2022 को सेम समय रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहां पर आगे दिया गया कक्ष संख्या भी दी गई है कौन से कक्ष में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो अतः सभी छात्र छात्राएं उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से परीक्षा हेतु उपस्थित हो। प्रतिलिपि प्राचार्य कार्यालय में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जहाँ तो ये आपको अगर नोटिस चाहिए, आप एम कॉम संस्थागत के छात्र हैं और मेरठ कॉलेज मेरठ की है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इस नोटिस को ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो स्नातक में प्रवेश होने वाले हैं फ्रेश प्रवेशन एडमिशन फर्स्ट ईयर, तो वो 20 जून से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। जैसे ही यहां पर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है 12th या इंटरमीडिएट का, तो उसके बाद 20 जून से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय में सोमवार को हुई प्रवेश समिति की बैठक में इस पर मुहर लगी है कि 20 जून से यहां पर रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया जाएगा। जो फर्स्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन हैं 12th के रिजल्ट आने के बाद तुरंत एकदम 20 जून से यहां पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। तो आप सभी छात्र अपने 20 जून से स्नातक में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचित किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।